जहानाबाद के काको स्थित मंडल कारा में शनिवार की अहले सुबह डीएम रिची पांडे और एसपी दीपक रंजन के संयुक्त नेतृत्व में सघन छापेमारी की गई, जिसके बाद जेल में मौजूद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। पूरे दो घंटे तक छापेमारी चली। वहीं इस दौरान जेल के चप्पे चप्पे तक की तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में बड़ी संख्या में शामिल पुलिस के जवानों ने जेल के एक एक वार्ड और शौचालयों तक की भी सघन तलाशी ली। इस दौरान मंडल कारा में कैदियों के बीच हड़कंप मचा रहा। बता दें कि छापेमारी के दौरान मोबाइल चार्जर, चाकू एवं हीटर के सामान की भी बरामदगी हुई है। वहीं इस तलाशी को लेकर एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने पूरी जानकारी दी है। वे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। मुख्यालय के आदेश पर जिला पदाधिकारी जहानाबाद महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ और सबके सभी जो फोर्स है उसके साथ छापेमारी की गई है इस जेल में। तो यहाँ पर कुछ हीटर का कुछ सामान मिला है और कुछ चार्जर मोबाइल का और कुछ चाकू वगैरह जो है कुछ मिला है, जो कि लोग सब्जी काटने वाला जो चाकू वगैरह है, तो सामान्य सी चीज़ें कुछ मिली हैं और कुछ विशेष उल्लेखनीय चीज़ें वैसी बरामद नहीं हुई हैं। सर्च पूरे 1.5-2 घंटे तक हम लोगों ने सर्च किया है इसको। बताएं, नशीले पदार्थ नहीं मिले हैं? नहीं, वो नहीं मिले हैं। कितने देर चली थी छापेमारी? 2 घंटे तक छापेमारी चली है जी। सभी वार्डों में तलाशी ली गई? सारे वार्डों में तलाशी ली गई, मेडिकल वार्ड और जितने भी वार्ड हैं सभी जगह पे तलाशी ली गई है और सघन तलाशी ली गई है। तो आपने एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे को सुना। एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे के मुताबिक मुख्यालय के निर्देश पर डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। तकरीबन 2 घंटे तक चली छापेमारी में जेल के चप्पे चप्पे तक की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कुछ वार्डों से मोबाइल चार्जर, चाकू एवं हीटर के सामान की बरामदगी की गई है। वहीं छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि जेल में नियमित छापेमारी की जाए और कैदियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए। छापेमारी टीम में डीएम और एसपी के अलावा एसडीओ मनोज कुमार, एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे, जेल अधीक्षक के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल थे। जहानाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।